जो अल्लाह ताला ने आपको तोहफतन अता फरमाई थी। तो ये तो आका की मेराज है ना जो हम बयान कर रहे हैं, तो ये हजूर के ग़ुलाम की मेराज है, आका अपने रब से मिलने के लिए और आपका ग़ुलाम अपने आका से मिलने के लिए। वो रात अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। जब भी मैं ये पढ़ता हूँ, जब भी ये सुनता, आप लोगों के सामने हर बात आपके सामने है। जब आप पहले आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो क़िबला शाह साहब का आखिरी इंटरव्यू, कभी कभी वो बात सुना करें, ईमान ताज़ा हो जाता है। मौत ख़तरनाक चीज़ नहीं है, अल्लाह वालों के लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ है। जब अल्लाह ने अपने जब बंदे ने अपने रब को राज़ी किया हो ना, तो मौत उसके लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ और बड़ी खूबसूरत नेमत होती है। तो फरमाया कि जब आप पहले आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो फरिश्तों ने पूछा, तो यहाँ जो आखिरी बात हज़ूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वो सारा वाज़ सुने और आप फरते जज्बात में जहाँ जहाँ हज़ूर अलैहिस्सलाम की बात आती है ना, तो आप फरते जज्बात से कहते हैं सुबहान अल्लाह, और मजमा भी कहता है। इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत महफ़िल है, मेराज की रात है, और एक ग़ुलाम अपने आका की बात करते करते इस जहान फ़ानी से चला जाता है। तो फरमाया कि फरिश्तों ने कहा कि कौन है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं हूँ, मैं जिब्राइल हूँ। फरमाया आपके साथ कौन है, पता था, तैयारी थी, सारा कुछ है। तो फरमाया मेरे साथ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आखिरी अल्फाज हैं जो हुजूर क़िबला शाह साहब ने फरमाए, मम्माका, कि जब फरिश्तों ने कहा कि जिब्रील तेरे साथ कौन है, तो आपने फरमाया ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है मेरे साथ। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो हुजूर फ़ख्र सादात हुजूर क़िबला पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब ने यहीं इस मस्जिद में बैठ कर सारे लोगों के सामने बताया कि जो अल्लाह उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है उसे जाते हुए ईमान की दौलत मिलती है, उसे जाते हुए उसकी ज़ुबान पर लफ्ज़ मोहम्मद होता है, जाते हुए उसकी ज़ुबान पर अल्लाह उसके रसूल की तौसीफ़ और हमद होती है। तो फरमाया कि मेरे साथ ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये वो क्लिप जो जब ईमान बंदा सुनता है ना, तो यकीन मन ईमान ताज़ा हो जाता है कि मौत इतनी खूबसूरत भी होती है, और जब मांग कर रात ली जाए, और खुशकिस्मत हैं वो लोग अर्श सामने। और फिर बात यह है कि खुद भी खिताब फरमाया, हजूर की मेराज बयान फरमाई, और हजूर का जिक्र जी भर के सुना। हजूर का जिक्र भी, अर्श साहब हैं, सरवर हुसैन नक्शबंदी हैं, फिर ऐसे ऐसे कलाम सुने कि ईमान ताज़ा हो जाता है। तो ये काबिल फ़ख्र हमारे लिए चीज़ है, काबिल तसल्ली हमारे लिए चीज़ है। और हजूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अक्सर ये फरमाया करते थे कि ज़िंदगी वही है जो मोहब्बत रसूल में गुजर जाए, जो अल्लाह के नबी के प्यार में गुजर जाए, जो हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत में गुजर जाए, जो हुजूर के सहाबे कराम में गुजर जाए। ईमान की सलामती उसे ही मिलती है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होती है। तो फरमाया कौन है आपके साथ, फरमाया ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है मेरे साथ। ये कमाल, ये लफ्ज़ आपको ता फरमाया। और मुझे आप साथी अक्सर बताते रहते हैं, आप फरमाते हैं कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा लोगों को उस वक्त पता चलेगा। बंदे अपने आप को छुपाए रखते हैं, यहाँ तो बंदा एक एक लफ्ज़ पढ़ लेना तो छलांगे लगाता है। उस मर्द दरवेश ने सारी ज़िंदगी अपने आप को छुपाए रखा, जाते हुए फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा है मेरे साथ। दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी ये लफ्ज़ नसीब हो जाए। बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े अकल वाले दुनिया से जब जाते हैं तो डर जाते हैं, कांप जाते हैं। 15 दिन पहले हज़रत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इरशाद फरमाया कि रब से मैंने मेराज की रात मांगी है और रब ने मुझे अता फरमा दी, और आपने अपनी तकरीर के शुरू में बयान फरमा दी। आप लोग इस चीज़ के वाह हैं, आप मोबाइल खोल के देखें, वो चीज़ हमेशा के लिए महफूज हो गई। ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत है उस ग़ुलाम पर, और उनके शेख की हसूसी नज़र करम है। तो फरमाया पहले आसमान पर जब हजूर तशरीफ़ ले गए तो फरमाया आप खुद आए हैं या साथ भी कोई है, फरमाया अकेला नहीं आया, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है मेरे साथ। फरमाया पहला दरवाज़ा खुल गया, दूसरा दरवाज़ा, दूसरा आसमान का दरवाज़ा खुल गया। फिर क्या हुआ, जब अल्लाह की बारगाह में मामला पेश हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब मेरे लिए क्या लेकर आया, फरमाया अत्तहियात हो लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यबात। ये जुमले भी हुज़ूर क़िबला शाह साहब ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया।
بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو آپ کے وہ الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ جو میری بدنی نماز عبادات ہیں, کولی فعلی عبادات ہیں, وہ سب تیرے لیے ہیں. پھر آپ نے فرمایا یا اللہ, اللہ پاک نے فرمایا اگر تیری عبادات کولی بدنی فعلی وہ ساری میرے لیے ہیں تو میرے سارے سلام تیرے لیے ہیں. السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا میرے سارے سلام, میری ساری تحیات وہ سب تیرے لیے. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لا